से कवर कर लेंगे। बेटा ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता है। पागलपन चाहिए। जब तक तुम पागल नहीं बनोगे ना, अपने गोल का, अपने ड्रीम का नशा नहीं करोगे ना, हर समय नशे में झूमे नहीं रहोगे ना, तब तक तुम्हारे लाइफ में ना दूसरों चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन रहता है। देख, एक आदमी जो नशे में रहता है ना, उसके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। एक बात बात बता, नशे में आदमी झूम रहा है तो उसको किसी और चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो करता है एकदम हाई कंसंट्रेशन से करता है। उसी तरीके से तुम्हें नशे में रहना है, और नशा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, नशा है तुम्हारे ड्रीम का, तुम्हारे सक्सेस का। तुम इस नशे में डूबे रहोगे ना हर समय, तो डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज, कामचोरी जैसी चीज। और बेटा ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। पागलपन चाहिए। जब तक तुम पागल नहीं बनोगे ना, अपने गोल का, अपने ड्रीम का नशा नहीं करोगे ना, हर समय नशे में झूमे नहीं रहोगे ना, तब तक तुम्हारे लाइफ में ना दूसरों चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन रहता है। देख, एक आदमी जो नशे में रहता है ना, उसके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। एक बात बात बता, नशे में आदमी झूम रहा है तो उसको किसी और चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो करता है एकदम हाई कंसंट्रेशन से करता है। उसी तरीके से तुम्हें नशे में रहना है, और नशा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, नशा है तुम्हारे ड्रीम का, तुम्हारे सक्सेस का। तुम इस नशे में डूबे रहोगे ना हर समय, तो डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज, कामचोरी जैसी चीज। और कई बच्चे बोल रहे थे, सर हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार पढ़ाए जा रहे हो। बेटा एक कमजोरी की भी ना हद होती है, कितना मजबूर करोगे मास्टर को यार, कितना मजबूर करोगे। कल पीटीएम में भी मैं बता रहा था, मैं तुम्हें भी बताता हूं, तुम्हें भी बताता हूं। 3 दिन पहले ना एक पुराने स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास, वो कोटा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। वो फोन करके रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है? तो सर कैसे करे, समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स में 4 चैप्टर एक साथ चल रहा है। एक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा चल रहा है थर्मल फिजिक्स, तीसरा चल रहा है मैकेनिक्स, और चौथा चल रहा है ऑप्टिक्स। 4 टीचर पढ़ा रहे हैं सर फिजिक्स, और हफ्ते में सबकी 2-2 क्लास आती है, और 4 चैप्टर एक साथ चल रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम अपने किसी भी दोस्त से पूछ सकते हो जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो ना कोटा के, पूछ सकते हो कि तुम्हारे यहां फिजिक्स 2-3-4 चैप्टर एक साथ चलते हैं क्या, 2 या 3 चैप्टर एक साथ चलते हैं क्या? तो हां चलते हैं। और जब 4 फिजिक्स के चैप्टर एक साथ चले तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा यार? सोच, बायोलॉजी नहीं बेटा, बायोलॉजी 2 ही चलते हैं, एक जूलॉजी और एक बोटनी, बायोलॉजी 2 ही चलते हैं।